नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीवीटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास एक पेपर है, ये पेपर आज ही हुआ है सीएचएस का मैथ ग्रुप का, सुबह 8 से 10 में ये पेपर हुई है। तो आप सभी का डिमांड है कि सर आंसर की आप कब बनाकर देंगे, तो आ गया है आपके सामने आंसर की। और सबसे खास बात कि थोड़ा सा लेट से आया है, लेकिन अधिकांश जो मतलब 100 में से 99% ये सटीक है। हो सकता है एक दो सवाल हमसे भी मिस्टेक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, एकदम क्वालिटी के साथ आपको दिखेगा भी पूरा क्लीन। मैं अभी इसका पीडीएफ भी लेकर आया हूं। इसके अलावा आपको एक एक करके मिलाना है, और जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया है मैथ ग्रुप का क्लास 11th के लिए, वो सभी लोग कमेंट में जाके बताएगा इस आंसर की को मिलाने के बाद कि आपने कितना सही किया। उसके बाद हम कटऑफ वाला वीडियो भी बनाएंगे, पेपर का रिव्यू भी कर लूंगा कि कितना कटऑफ जा सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। पहली बार आप लोग जुड़े हो, पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले बता दूं सीएचएस के लिए बेस्ट चैनल है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सभी लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन वाली घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लेना है। क्यों सवाल है ना, क्यों करना है? क्योंकि सबसे सटीक जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। आंसर किया आया है और आप लोग मिला चुके होंगे, और आप लोग ये भी देखे होंगे कहां पे क्या गलती रहा है, तो आप इस आधार पे देख भी सकते हो कि यहां का आंसर की कितना सटीक है। एकदम 99.9% सटीक है। हो सकता है एक दो सवाल गलत हो जाए, लेकिन एक दो सवाल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लेगा। कारण यह है कि अभी आपने एग्जाम दिया, अगला प्रक्रिया आपकी होगी काउंसलिंग की, उसके बाद की प्रक्रिया होगी एडमिशन की। तो आपको हर वक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी सटीक और सही। तो सटीक और सही जानकारी आपको सीएचएस कॉन्सेप्ट सीयूटी कॉन्सेप्ट से ही मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ सीएचएस की तैयारी भी करवाई गई है, जैसे कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग सीधे आपको जो लेकर आया हूं एकदम क्वालिटी के साथ देख सकते हो पीडीएफ, यही पेपर आज आपको मिला होगा, एकदम क्लीन दिख रहा होगा आप सभी को। पूरा उम्मीद करते हैं कि इतना क्लीन कहीं से भी आपको नहीं मिला होगा, पूरा उम्मीद करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग लास्ट लाते हैं, क्वालिटी कंटेंट से कभी भी समझौता नहीं करते हैं सीयूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और ये देख लो, ये जो है सेट आपका बी है, सेट बी है, इतना ध्यान रखना 2 है। और सबसे बड़ी बात है कि सबका अलग अलग सेट होगा, तो आप लोग ध्यान ये देना कि हम आंसर टिक किस पे लगा रहे हैं। ऑलरेडी गोला लगा हुआ है, क्योंकि एनालिसिस करके हम लोग आए हैं, और आप लोग कमेंट में भी जाके बताना ये आज का ही पेपर था, तो आप 100 में 100 बना सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल ये आया था कि भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है, किसने लिखा, जन्मदाता नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए अधिकांश लोगों ने बी बनाया होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 का 1 सही है। 2 का देख सकते हो फटाफट मिलाते हैं जाना आप सभी लोग, 2 का भी 1 सही है। ये देखिए एज ऑफ वाइस एक उपन्यास जो कि ये करंट अफेयर से संबंधित है, ऑप्शन 1 सही है, दीप्ति कपूर के द्वारा ये लिखा गया, ये 3 जनवरी 2023 का ही ये मतलब सवाल है। ये देखिए 2023 में टॉम कोलकाता में अपना वर्षगांठ मनाया गया, 28 फरवरी को मनाया गया, जो कि 150वीं था, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अभी आपको पता है अभी जो है दो देश है, एक है सीरिया और तुर्की, जहां पे अभी भूकंप आया था। मैं लगातार आपको बताते रहता हूं जो हाइलाइटेड देश है उसका कैपिटल आप हमेशा याद रखिए और वहां के राष्ट्रपति कौन है। तो सीरिया और तुर्की में भी आया था भूकंप, तो आप देख सकते हो तुर्की के राष्ट्रपति कौन है, सीधे एग्जाम में सवाल आ गया, और ये तो जानना ही चाहिए, ये ऑप्शन नंबर सही है C3। तो ये 5 सवाल आपका रहा सामान्य ज्ञान का। अगला जो सवाल आएगा वो इंग्लिश सेक्शन से, देखिए 6 का 2 7 का जो है 4 होगा, और 8 का आप लोग ध्यान दीजिएगा, 8 का जो है ना हम सेटल के साथ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कई लोग ऑप्शन 1 भी माने, लेकिन हमारी ओर से ऑप्शन 3 सही है, राइट। अब आगे चलते हैं, 9 का 1 9 का 1, 10 का 4 10 का 4, 11 का 2 11 का 2, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, देख लेते हैं किनका कॉल है। तो अभी हम
क्वेश्चन को सोल्व करा रहे हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11 का 2 सही है, 12 का 1, 12 का 1, और 13 का भी 1 सही है। अब आगे बढ़ते हैं, 14 का 3 सही है, 15 का 2 सही है, 16 का देख लीजिए, 16 का जो है डी सही है, 16 का डी सही है, क्योंकि यहां पे इस सेंटेंस में की लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सही है 16 का डी। और देखिए मुहावरे भी आया है, ये तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, हिंदी में अधिकांश 10 में 9 सही किए होंगे, पूरा उम्मीद है। तो इसका जो है 18 का रस से संबंधित सवाल आया है, 4 रस कितने होते हैं, 9, भरत मुनि के अनुसार ऐसे संभवतः 11 होते हैं, ठीक है। अब 19 का जो ऑप्शन सही होगा 2, 20 का जो है 1 सही होगा, और 21 का 3 सही होगा, 22 का 4 सही होगा, 22 का 4 सही होगा, इसके अलावा 23 का 2 सही होगा, 24 का 1 सही होगा, 25 का 20 सही होगा, ठीक है। अब यहां से आपको केमिस्ट्री का सवाल देखने को मिलेगा, अगला 25 सवाल केमिस्ट्री से है। सभी लोग मिलाइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हो रहा है। चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि CHS से संबंधित एक भी अपडेट आपका मिस ना हो। और जरूरी अपडेट, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहाँ जाना होगा काउंसलिंग करवाने के लिए, हर एक स्टेप बताएंगे ना, कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करना है। आपको यहाँ से CHS से आपको ईमेल आईडी पे मेल जाएगा, उससे पहले हम लोग आपके पास अपडेट पहुँचा देंगे। तो सटीक अपडेट के लिए 26 से का 1 होगा, 27 का जो है, हाँ देखिएगा, 27 का जो है इसका सही उत्तर बी होगा। देखिए सवाल ये है कि हम लोग भी एनालिसिस किए हैं, तो बहुत सारे साइट को विजिट किए हैं, राइट, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कई लोग हैं जो डी भी बताएंगे, सी भी बताएंगे, कुछ भी बता देंगे, मतलब कुछ भी बता देंगे। CHS का सवाल है, आपको पता है ना नए कितने कम सीट है, बहुत कम सीट है। तो आपको अगर आप देखोगे, बहुत लोग का मैं देखा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, कई लोगों ने 100 सवाल को सॉल्यूशन करवाया है तो 8 से 10 को गलतें करवा दिया है। क्या तैयारी करवाए होंगे, आप सोच सकते हो। सॉल्यूशन सवाल का सॉल्यूशन, वो भी जब सॉल्यूशन के समय, हाँ ये बात है, सॉल्यूशन जब ये सटीक आना चाहिए यूट्यूब पे, मैंने सटीक करके लाया, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, एक दो हो सकता है, लेकिन 8 से 10 तक नहीं हो सकता। अगर आप, आपके पास एग्जाम हॉल में तो प्रेशर में बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पेपर है, कोई प्रेशर नहीं है सॉल्व करना। फिर भी कई लोगों ने, कई यूट्यूब चैनल ने भारी मात्रा में गलती किया है, आंसर की को हरवरी में गड़बड़ी कर बैठे हैं। तो इन सभी से बच के रहना, माहौलबाजी से बचना है सबको। 28 का देख लो सही उत्तर होगा बी, 28 का भी, 27 का भी बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 29 का इसका सही उत्तर सी होगा, 30 का 2 होगा, 31 का वी होगा, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे मिथेन, 32 का सी होगा, 3 होगा, 33 का भी 3 होगा, 34 का 1 होगा, और 35 का 1 होगा, 36 का 3 होगा। अभी हम पेपर रिव्यू करने वाला वीडियो बनाएंगे, हमारा एक स्पेशल चैनल है, उसका नाम है CHS कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? CHS कॉन्सेप्ट। कोई भी जानकारी चाहिए आप सभी को 9651222407, ये हमारा ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए। अब चलिए मैं कहां तक आया था, 35 का सही उत्तर है ए, 36 का 3, 37 का 4, 38 का 3, 39 का 3। देखिए अब देखिए क्रांतिकारी, मैं यहां पे बता दूं, 39 का जो होगा सही उत्तर सी होगा। एसिटिक अम्ल जो है ना, वो नींबू में पाया जाता है, कई लोगों ने आपको एसिटिक अम्ल बताएंगे, जो बहुत बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आगे चलता हूं, 40 का भी 3, 41 का 4, 42 का 2, 43 का ए, 44 का 4, 45 का 3। देखिए गोला मारा हुआ, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मैं रोक के समझा दूंगा, 46 का 4, 47 का 2, 48 का 2 ही, 49 का देख लो 4, 49 का 4,
और 50 का जो है 4 है। अभी जो आप देख रहे थे ये केमिस्ट्री का सवाल देख रहे थे, हमारे जो भी स्टूडेंट थे होनहार स्टूडेंट है, बहुत तेज बनाया है, बहुत सही बनाया है। 51 पे चलते हैं, अब आपको फिजिक्स का देखना देखने को मिलेगा। 51 का 3, 52 का देख लीजिए 2, 53 का 1, 54 का, 54 का देखिए गोला नहीं लगा हुआ है लेकिन इसका होगा 3। आगे बढ़ते हैं 55 का 2, 55 का 2 होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, मिला लेना है सभी लोगों को। अब हम आगे चलते हैं 56 का जो है 4 होगा, 57 का 3 होगा, 58 का 3 होगा, और 59 का 2 होगा, 60 का देखिए 60 का भी 3 होगा, 60 का भी 3 होगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 61 का 3, 61 का 3, 62 का 2, 63 का 2 है, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 64 का 4 है, और 65 का 3 है, 66 का जो है वो 4 है, 67 का 3, 68 का जo hai 2, 69 का 4, 70 का 1, 71 का 2, 72 का जo hai 72 का आप लोग देख सकते हो 3। आगे बढ़ते हैं 73 का 1, 74 का देख लीजिए आप सभी लोग 74 का 1, 75 का जो है 3 है। अब जो अगला 25 सवाल मिलेगा वो मैथ का मिलेगा, मैथ सेक्शन का। अब आगे चलते हैं 76 का 4, 77 का 3, 78 का 3, 79 का 4, 80 का 4, 81 का जो है 81 का 1 होगा, 81 का 1, 82 का जो है 3। अब आगे बढ़ते हैं 83 का 4, 85 का 4, 86 का 2, 87 का जो है 3 होगा, 88 का जो है 1 होगा, ध्यान रखिएगा 88 का 1 सही होगा 8 सेंटीमीटर, 89 का 1, 90 का देख लीजिए 2, 90 का 2 होगा, 91 का 4 होगा। अधिकांश सवाल आप लोग देख रहे होंगे क्लास 10th के लेवल है, आप लोग पढ़े होंगे, ये सब बेसिक सवाल ही है, त्रिकोणमिति का है। 92 का 1, 93 का जो है 3, 94 का 4, 95 का 2, और 96 का 3, 97 का 3, 98 का 4, 99 का 2, 100 का 2, टाटा बाय बाय खत्म। आप लोग कमेंट में जाके बताइएगा 100 में आपका कितना सही हुआ है, सभी लोग को कमेंट करना है, बताना है आउट ऑफ 100 में आपने कितना सही बनाया है। ये क्लास 11th का मैथ ग्रुप का है, एकदम हमारी ओर से 99% सटीक है, जो आपका CHS का ऑफिशियल आंसर किया आएगा लगभग यही रहने का चांस है, हो सकता है एक दो सवाल में आगे पीछे हो सकता। अब सवाल को आप लोग देखे होंगे तो कमेंट में जाके बताएंगे, तो उसके आधार पे हम रिव्यू वाला कट ऑफ वाला वीडियो भी बना के आपके सामने लाएंगे, वो वीडियो भी मिलेगा। और हमारा स्पेशल चैनल है CHS कॉन्सेप्ट, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आंसर की के मामले में सबसे सटीक आपको यहीं से मिला है, आप लोग जाके देख भी सकते हो, इतना क्वालिटी कहीं से दिखता भी नहीं होगा, कहीं देखते होंगे दिख भी नहीं रहा होगा, तो हमने आपके लिए मेहनत किया है। तो आपका भी कर्तव्य है सपोर्ट करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन को प्रेस करके रखने का। मिलेंगे अब हम लोग अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।